एक्सपर्ट है भाई डेनू माशाल्लाह से। बहुत थक गए हैं, अब भूख भी लगी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, जेडीज क्रिएशन पे आपको वेलकम करते हैं भाई। आप सोच रहे होंगे कि भाई हम कहाँ निकले हैं, तो भाई डेनू बताएंगे आपको कि हम कहाँ निकले हैं। कितने पकड़े हैं आप? हम सावतपुर निकले थे भाई, सावतपुर गए थे बन लेने। क्यों गए हैं ये वो हम आपको वहीं पे जाके बताएंगे भाई। उससे पहले जिसने हमें सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूले भाई। ये बन लेने की टाइम गए हैं, क्यों गए हैं वो आपको वहीं पे बता दें। वहीं पे बता दें, पकड़ो भाई। हम पहुंच चुके हैं अपने जगह पे जहां हमने क्या बनाना है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त टी टाइम जो है वो कुछ कटिंग वटिंग कर रहे हैं। टी टाइम बिल्कुल सर, देखो टी टाइम की कटिंग देखें आप। ये देखें फ्राइज की कटिंग चल रही है भाई। बन हमारे जो है वो ये रखे हुए हैं। इस माहौल से आपको दिख रहा होगा कि फुल माहौल होने वाला है। आगे हम आपको दिखाते हैं क्या सीन है। ये ऑयल जो है वो गर्म हो रहा है हमारा। सीन जो है वो हमने बनाया है किस चीज का? टी टाइम बर्गर का, बर्गर और फ्राइज का भाई। आज हम बर्गर और फ्राइज खुद बनाएंगे कि भाई हम कैसे बना सकते हैं, तो हम आपको दिखाएंगे भाई कैसे बनते हैं बर्गर। आज हम बर्गर और फ्राइज आपको बना के दिखाएंगे। टी टाइम अपने कटिंग में ये भाई प्रोफेशनल है। अगर मैं हम क्या कहते हैं होटल खोलेंगे तो भाई मैं डेढ़ों को फ्राइज पे लगाऊंगा। इसको लगा देंगे भाई फ्राइज कटिंग में, जैसा वो कटिंग कर रहा है ना फ्राइज का। एक्सपर्ट है भाई डेनू माशाल्लाह से। ये देखो भाई फ्राइज अब जा रही है तेल में। हाँ हाँ बस डाल डाल सब डाल सब लोग काट के ये डाल दिए भाई, जैसे ही उसका मॉइस्चर मर जाए। पर तेल जो है हिचको लिखा रहा है भाई, तेल ज़्यादा डाल दिया हमने। डिटेल नहीं ज़्यादा डाल दिया भाई, अभी उठलेगा भाई। हाँ कटे सर टी टाइम भाई, ये तेल निकाल रहे हैं, ज़्यादा जल गया था टी टाइम से। ये जो तेल अभी निकाला है ये हमें बर्गर बनाने में काम देगा, उसी के लिए जो है वो मुख्तस कर दिया हमने भाई ये तेल। फ्राइज हमने भाई सीधे काट के डाली हैं बिकॉज उसका मॉइस्चर जैसे मर जाए और फ्राइज जो है वो कड़क बने। वक्त हुआ जाता है भाई इनको निकालने का, अभी तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और हम अभी जुगाड़ देखें आप हमारा। ये से पकड़ जो है वो जाएगा इसमें और ये जाएगा यहाँ पे, ये हमारा जुगाड़। इस तरह हम निकालेंगे भाई सब कुछ निकाल देंगे। डेड टाइम इस वक्त लगे हुए हैं काम पे अपने। कैमरा जो है वो मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा, तो इसी तरह हम निकाल के जो है ना वो दिखाते हैं आगे प्रोसेस। हमने भाई एक और जुगाड़ लगाया है। ये जो आलू है वो हमने एक प्लेट में टिश्यू लगा के यहाँ पे फैला दिए हैं। अभी ये जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर इसका आगे प्रोसेस दिखाएंगे आपको। ये गर्म है, टी टाइम को बोला है मैंने, कहा कि एक एक करके इनको फैला दो। टी टाइम बोला है कि भाई थोड़ा ठंडा हो जाए के साथ अब फिर करते हैं। और ये डाल दिए टी टाइम, क्यों इतना स्लो? इसको थोड़ा फास्ट करते हैं। फास्ट मत करो, कम करो नहीं तो खराब हो जाएगा। नहीं नहीं थोड़ा से अभी सही। घी ठंडा हो गया था क्या? नहीं घी तो ठंडा नहीं था, मेरे ख्याल से आलू जो है वो ठंडे हो गए थे। ठंडे आलू बहुत ठंडे थे, फ्रिज से निकल के आए थे पता नहीं क्यों। तो आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आपको। किसी पैकेट में 1 खिलौना, किसी पैकेट में 3 खिलौने, किसी पैकेट में 4 खिलौने। सेल 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 प्राइस की सेल। टी टाइम भाई मेले का व्लॉग देख के बिल्कुल मेले के बुखार में चले गए हैं। इन्होंने भाई आलू फैला दिए हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है नरम है? ठीक हो जाएंगे। हाँ कड़क ये हो जाएंगे जब ये आग तेज होगी ना, नमक वगैरह लगाएंगे तो ये ओके हो जाएगा। ओके बर्गर की पेटियां भाई भी ये तली जाएंगी और उसके बाद जो है हम बर्गर यहाँ पे डेणू इतने वांदे लगे हुए हैं कि भाई फुल ये देखे। ठीक है इतने वांदे हैं आप? बिल्कुल सर। ये देखो मैं तो काम कर रहा हूँ, शेरोज वांदा बैठा हुआ है। क्या भाई शेरोज? देखो डेणू ने मुझे यार बिल्कुल सेट कर दिया है। डेणू के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। इन पर भाई हमने टिश्यूज डाल दिए हैं फ्राइज पे। टी टाइम और इसमें भी डाल दें। टी टाइम बस ये भी डाल दें भाई, इसको चिपका दें ऐसे। शामियां तैयार हो रही है भाई। चलो भाई आज के हमारे मेहमान खास हैं, हमारे खास तो हैं
पर ये खाना खा चुके हैं। बस वो उनकी तरह टेस्ट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसा बनाए ना। तुम अभी थोड़ा मेहनत मेहनत करो, जैसे तुम्हारे उतरे हैं तो फिर तुम खाओ ना। यार मेहनत अभी क्या करूं, यहाँ पे कोटा तो नहीं लगाना है। नहीं कुछ मेहनत, ये देखो कितना सामान पड़ा हुआ है, ये देखो ये यहाँ पे मैं नहीं मेहमान खास हो, बट अभी खा के आयो ना, अभी तो निकालो उठो उठो जब वाक नहीं लगाओ, यहाँ पे काम करो। काम करके क्या होगा, कुछ मेहनत मेहनत करो, मेहनत मेहनत करो। अंडे तोड़ो, अंडे तोड़ने हैं, हाँ बहुत काम है। अंडे वाला खेल गेड़ू जब बचपन में उसमें कोठा में रहता था तब ये अंडे का बड़ा चैंपियन था, जब ये दांतों से नहीं लड़ाते हैं। हाँ। दांतों से और फिर वो जो लड़ाते थे वही है ना, देखा था ऐसे टिक 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 ये भाई उस्ताद था, पठानों को तबाह किया, तबाह किया, दस दस अंडे ये जो झोली होता है भर के आता था ऐसा। एदा आने उत्तर दा ये जी करें आलू को खुश्क हो चुके हैं भाई। देखो देखो जेनू दा मास्टर शेफ आसान जो जी घुमा के जो है वो सीधे कणसी में ले जाएंगे। फ्राइज बिल्कुल उबल रही है, ये भाई कड़क हमारे फ्राइज रेडी हैं। ये देखो भाई आज हमने जाके भाई कड़क फ्राइज बनाई है, गृणी की मेहनत है, गृणी की मेहनत है। गृणी बोल रहे थे कि भाई रेसिपी लाओ ऐसा जो हम खुद कड़क फ्राइज बना सके। गृणी क्या करें तो क्या? अच्छा बनाओ तो मैंने खाया है। अंडे लो यार, भाई ये अंडे आएंगे। रेडी? ये भाई हमारे बर्गर हो गए रेडी। बड़ी मुशक्कतों के बाद, बड़ी ख्वारी के बाद भाई फाइनली हमने फ्राइज और बर्गर बना लिए हैं। अभी जो है हम आपको दिखाते हैं, खिलाते हैं। चलिए बहुत थक गए हैं, भूख भी लगी है बहुत यार, शुरू करते हैं। अभी ये आ गई है भाई हमारे सामने फ्राइज, बर्गर्स भी रेडी हैं, सैलेड भी है भाई, और हमारी सीक्रेट चटनी भाई। बर्गर आ चुकी है हमारे पास, ये देखें अंडा शामी बर्गर हमने बना के बड़ी मेहनत की है। जानू यार हिम्मत करो, मुझे बहुत नींद आ रही है देख कर मैं तो उठा रहा हूँ अपना। स्पेशल जानू तुम्हारी मेहनत है, बहुत यार मेहनत की है मैंने, आला किस्म की ये अंडा शामी बर्गर बनी है भाई।
देनी अपनी मस्ती में। भाई ये फ्राइज जो है ना अभी भी कड़क है, मेरा अभी तक बचा हुआ है। भाई डेनू ये किन के लिए लेके जा रहा है भाई, ये मलिदा बना के? ये अबू के लिए और दाए के लिए। अच्छा तुम्हारे वालिद साहब के लिए? जी हाँ। टी टाइम बोल रहे थे हम जो है वो कितने खा सकते हैं टी टाइम? तीन बर्गर खाए यार। नहीं तुमने कितने खाए? मैंने एक खाया, तुमने भी एक खाया, मैंने भी एक खाया, बाकी डेनू ने भी एक खाया। पहले बोल रहे थे कि भाई चा चा जो है वो खत्म कर लेंगे, इतनी भूख थी पहले, अभी भूख मिट गई। इतना डिले हो गया सीन के भाई भूख ही मर गई। तो सारे पड़े हुए हैं और ये अंडे भी बच गए। अंडे भी जो है उस आदि खान वाले दाया वाले खाएंगे। हम जो है हमने भाई हमने हाँ लेके जाओ भाई लेके जाओ। टी टाइम जा रहे हैं भाई, हमने बोला था कि तीन चार खाएंगे बस, एक ही खा सके भाई, तो एक दो दाने फ्राइज और एक बर्गर खाया बस फुल। टी टाइम भी और मैं भी। ये था सीन आज के लिए, इतना ही। आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह।